हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। अब हम आते हैं हमारे एडवांस की पेपर के डिस्कशन पे। डीटीएस का जो एडवांस का पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है ए गन ऑफ मास एम फायर ए शेल ऑफ मास स्मॉल एम। तो इसमें एक गन जो है वो इस तरह से, जिसका मास कैपिटल एम है, यहाँ से एक शेल मतलब की गोली को फायर करती है वी स्पीड से, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस गन की रिकॉइल स्पीड कितनी होगी, तो रिकॉइल स्पीड आपको बता रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो आप मोमेंटम इक्वेशन लगाओगे तो m into minus of v plus small m into small v zero। अब यहाँ velocity जो है कितनी given है आपको, velocity भी नहीं given है। अब इससे एक तो ये equation बन जाएगी momentum equation, दूसरा फिर वो बोल रहे हैं कि इससे जो energy निकली, मतलब इस तरह से जो अपने fire किया उससे जो total energy निकली, वो total energy कितनी आएगी बेटा, वो total energy आएगी दोनों की kinetic energy की terms में, ठीक है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ जाएगी, ये अपने पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन्होंने बोला कि ये एनर्जी सफिशिएंट है इसी बुलेट को एच हाइट तक फेंकने के लिए, है ना। तो एच हाइट तक मतलब इसी बुलेट को अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंकूं, ऐसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो फन फेंकते हैं ना, उसको मान लो मैं इतनी एनर्जी ई दूं, है ना, मतलब कुछ स्पीड दूं, तो ये मान लो एच हाइट तक जाके फिर वो रेस्ट पाएगी। तो इसका मतलब ये ई एनर्जी जो है वो कितनी है बेटा, एम जी एच के इक्वल। अब देखो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन है यहाँ पे, ओके। तो अभी तीसरी इक्वेशन से मेरे पास देखो, इसको फर्स्ट और सेकंड से दोनों की वैल्यू पुट करें तो mgh हाफ m v स्क्वायर हाफ स्मॉल m, v की जगह मैं क्या लिख दूंगा mv by स्मॉल m का स्क्वायर। अब ये जो यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपका इससे जो आंसर बनेगा बेटा, मतलब वो बनेगा सॉल्व करने पे फर्स्ट ऑप्शन, तो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, तो ये हिंट यहां पे मैंने आपको दिया, नोट करें इसको एक बार। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में अच्छा कांसेप्ट इन्होंने यूज किया हुआ है कि ये जो ऑब्स्टेकल है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुका रहे। तो देखो ऑब्स्टेकल की जो हाइट होगी, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना के समझते हैं, है ना। मान लिया कि यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल है वो इतना बड़ा हमने रख दिया, ओके। अब ये ऑब्स्टेकल जब रखा हुआ है, ये मान लिया हमने इतना बड़ा ऑब्स्टेकल रख दिया, तो अभी ऑब्स्टेकल जब रखा हुआ है तो इस ऑब्स्टेकल की वजह से देखना, यहाँ पे mg जो है ये, अगर mg जस्ट इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर आ जाता है उस वक्त वो टॉपलिंग की कंडीशन आ गया। जब तक इसका जो mg है ना, देखो mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है जब तक वो, और ये फिक्स्ड ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं कि ये ऑब्स्टेकल मूव करेगा, नहीं ये फिक्स्ड है ना। तो अभी ऑब्स्टेकल तो फिक्स हो गया, अब वो रहे कितनी हाइट रहे ताकि ये इसको रोक पाए। तो देखो जब तक mg जो है ना वो इसके इस तरफ रहेगा, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि रुका रहे, तो इसका मतलब जब तक mg इसके इस तरफ रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब जो mg की लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो इस तरह से रहनी चाहिए कि ये mg की लाइन ऑफ एक्शन जब तक इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इसके जब तक लेफ्ट साइड में तब तक तो रुका रहेगा, जैसे वो राइट साइड में आएगी उसी टाइम पे वो उसको मूव कर जाएगा, उसको पलट के बाहर निकल जाएगा। तो हमें mg की लाइन ऑफ एक्शन को इस पॉइंट से इधर रखना है, जस्ट पलटने वाली कंडीशन में mg की लाइन ऑफ एक्शन इस कोने पे आके टच करेगी। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूं कैसे टच करेगी वो, तो वो जो टच करेगी जस्ट कोने पे तो इस तरह से ये mg, ठीक है, और ये यहां पे जस्ट वो टच होगा, है ना। थोड़ा सा डायग्राम अप्रोक्सीमेशन में बना देता हूं मैं एक बार, है ना। तो ये इस तरह से डायग्राम, अब यहां जो mg है ना वो इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से, तो ये थीटा, ओके। अब थीटा क्या है यहाँ पे, ये एंगल जो है ये तो वही वाला एंगल है अपने पास, इंक्लाइनेशन एंगल। ये क्या हो जाएगा एच, तो ये आर माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा आर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा इस केस में, आर माइनस एच अपॉन आर, तो आर कॉस थीटा इज आर माइनस एच, तो एच क्या हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। मतलब जब तक ये mg की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में है इस पॉइंट से, तब तक तो ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं करेगा, जैसे वो लाइन इधर आ जाएगी उस केस में टॉपल कर जाएगा। तो मैंने जस्ट वो कंडीशन ली कि जब ये mg की लाइन, ये लाइन जो है mg की है, ये इस पॉइंट पे ही आ रही है, उस कंडीशन में r और h और थीटा को रिलेट कर लो, बस यही इसकी मिनिमम हाइट है। इससे ज्यादा हाइट रख दो फिर कोई दिक्कत नहीं, इससे कम हाइट पे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसको रोल करके बाहर निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ। थर्ड पे आते हैं,
थर्ड में बोला है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्ट्रक्चर इन विच ईच स्मॉल स्क्वायर. अब इसमें छोटे स्क्वायर की लेंथ कितना है a, तो बड़े स्क्वायर की कितनी होगी बेटा 2a, तो ये डायगोनल कितना होगा रूट टू टाइम्स ऑफ 2a. अब हमें पता है जब भी हम इस तरह से लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं l इफेक्टिव काम में लेते हैं, तो i l इफेक्टिव b, l इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट टू a, मतलब रूट टू टाइम्स ऑफ 2a और ये b, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल आंसर फर्स्ट ऑप्शन. ओके बच्चों नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि एक सिलेंडर था उसमें से आपने इस तरह से कैविटी कट कर ली, तो इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आएगा बताना है. बचे हुए में से करंट कितना है आई, तो सबसे पहले करंट डेंसिटी निकाल लेता हूं. करंट डेंसिटी कितनी आएगी बेटा आई बाई एरिया. एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई टू स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास करंट आई की वैल्यू. तो उसके बाद मेरे पास जो ये स्मॉलर सिलेंडर है उसमें करंट कितनी आएगी, स्मॉलर सिलेंडर में करंट आ जाएगी मेरे पास जे इंटू पाई आर बाई टू स्क्वायर. जे कितना आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर और 1 बाई 4, तो 3 बाई 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 का उल्टा 4 बाई 3 जे 4 बाई 3 आई पाई आर स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4. तो इससे मेरे पास करंट डेंसिटी जो आएगी बेटा वो आ जाएगी पाई आर स्क्वायर 3 बाई 4, तो ये 4 बाई 3 ऊपर गया इधर से 4 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास आई बाई 3. तो इस वाले सिलेंडर छोटे सिलेंडर की करंट कितनी है आई बाई 3. अब हम ए पॉइंट पे जब बात करते हैं तो ए पॉइंट पे बड़े सिलेंडर की वजह से कितना फील्ड आएगा जीरो. और जो ये यहाँ पे देखो यहाँ तो नेगेटिव सिलेंडर नहीं रहा. अब मैं इसको कॉम्बिनेशन कैसे मानता हूं, मैं इसको मान लेता हूं एक तो बड़ा सिलेंडर रहा होगा प्लस एक छोटा सिलेंडर इस तरह से रहा होगा है ना. अब ये एक्सिस अगर देखें तो ये ए पॉइंट तो यहाँ पे है दोनों के लिए है ना, और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है इस तरह से. तो जब ए पॉइंट की बात करेंगे बेटा तो ए पॉइंट पे बड़े सिलेंडर की वजह से कितना आएगा जीरो, क्योंकि वो तो उसकी एक्सिस पे है. लेकिन छोटे सिलेंडर की वजह से कितना आएगा जो उसके खुद की सरफेस पे बनता है मे नॉट आई कितना था इसमें आई बाय 3 अपॉन 2 पाई और इसकी खुद की रेडियस कितनी है आर बाय 2. तो इसके लिए जो खुद की सरफेस पे आएगा मे नॉट आई अपॉन 3 पाई आर आएगा. 3 पाई आर कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन. तो ए पे कितना आएगा मेरो डायपोन 2 पाई आर है, तो गलत हो रहा है 2 पाई आर नहीं यहाँ पे मेरो डायपोन 3 पाई आर होना चाहिए था तो सही होता है ना. जीरो ए पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है ए पे जो ये वाला पॉइंट है वो तो फिर प्रोड्यूस करेगा ऐसे, ये भी गलत हो गया. बी पे निकालते हैं, बी पे जीरो नहीं आएगा क्यों, क्योंकि बी पे ये खुद जीरो प्रोड्यूस करेगा ये वाला तो प्रोड्यूस करेगा ऐसे, तो देखो ये भी गलत हो गया. तो बच्चा चौथा ऑप्शन सही है, चाहो तो चौथे ऑप्शन को चेक कर लो. बी पे खुद की वजह से जीरो, इसकी वजह से कितना आएगा वो आपको एम्पियर रूल से पता ही है ना. तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा बेटा. फिर इसके बाद फिफ्थ पे आते हैं. फिफ्थ में बोला है द फिगर शोन टू आइडेंटिकल बॉल. अब देखो देखो यहाँ पे जब दो बॉल गिरेगी तो दो बॉल जब गिरेगी तो इस तरह से जैसे ये कॉन्टेक्ट में आएगी, ये बॉल जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगी देखो यहाँ पे सेंटर्स के बीच में ये एक ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा. तो इस पे क्या लगेगा इस ट्राइंगल के साइड के अलॉन्ग इम्पल्सिव फोर्स लगेगा. इस पे भी इम्पल्स लगेगा जे, इस पे भी इम्पल्स लगेगा जे और इस पे भी इम्पल्स लगेगा जे है ना. तो यहाँ पे इम्पल्स जो है वो इस तरह से लग रहे हैं. अब जे इम्पल्स लग गया. अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं है ना. तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनेगा बेटा ये वाला, ये थीटा है तो ये वाला 90 है ना, ये वाला एंगल जो है वो 90 बन जाएगा. फिर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. अब देखो इस इम्पल्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, केवल इस छोटी बॉल पे देखना इम्पल्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो क्या करेंगे 2 जे कॉस 90 माइनस थीटा ना. अब ये बॉल जो है वो वी नॉट स्पीड से टकराने से जस्ट पहले की स्पीड वी नॉट है, तो टकराने के बाद ये बॉल बोला है कि रेस्ट पे आ चुकी है, तो ये बॉल रेस्ट पे आ चुकी है इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ एम वी नॉट से जीरो हो गया ना, तो इसके मोमेंटम का चेंज हुआ एम वी नॉट. खाली वैल्यू की बात कर लेते हैं. फिर यही जो इंपल्सिव फोर्स है देखो नॉर्मल रिएक्शन दोनों तरफ लगेगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स इधर आ रहा है इसको चाहो तो जे लिख लो या नॉर्मल लिख लो जैसा भी आप लिखना चाहो है ना. ये इंपल्स किसकी वजह से नॉर्मल की वजह से, ऐसे लिख लेना जे एन मतलब इंपल्स ऑफ नॉर्मल है ना.
फिर यही जो इंपल्स नॉर्मल का लग रहा है वो इस बड़े ब्लॉक को इधर की तरफ स्पीड प्रोवाइड करेगा v। तो देखो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, j cos theta is m v। ये तो दो इक्वेशन। अब इसमें मेरे पास ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, ठीक है। तो ये साइड कितनी है, ये साइड है r प्लस थ्री आर बाई सॉरी r प्लस आर बाई टू, देखो इसमें यहां पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके हिसाब से ये थीटा, ये है r प्लस आर बाई टू, ये कितना हो जाएगा r, देखो ये साइड यहां से यहां तक तो r ही होगी ना, देखो ये वाली डिस्टेंस तो r है। तो इस केस में मेरे पास अब देखो cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यहां से cos थीटा आ जाएगा r अपॉन 3r / 2, ये वैल्यू यहां डालना cos थीटा की r रिक्वायरमेंट है, और इसी में sin थीटा आप निकाल लो सॉल्व कर लो, दोनों में आपका आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपका v डैश आएगा वो आएगा v नॉट / रूट पाई। ओके बेटा, तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है फिफ्थ क्वेश्चन। अगले पे आते हैं सिक्स पे, तो सिक्स क्वेश्चन में आपको स्मॉल बॉल इज रोल्ड विद स्पीड u फ्रॉम पॉइंट ए अलोंग द स्मूथ सर्कुलर ट्रैक, आपने यहां से u स्पीड से बॉल को रोल करवाया, ये बॉल जो है वो इस तरह से जाती है, तो यहां आने के बाद फिर देखो कॉन्टेक्ट खत्म होगा, सर्कुलर ट्रैक केवल यही तक है, उसके बाद ही यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं वापस यहीं पर आगे गिरती है। अब ये x जो है ये यहां से यहां तक तो सर्कुलर ट्रैक है ना, तो यहां पे ये u स्पीड से अगर एंटर करेगी तो टॉप पॉइंट पे इसकी स्पीड मान लेता हूं vt रही होगी, है ना, और ये हाइट कितनी है बेटा इसकी, ये हाइट जो है वो 2r है। तो अब देखो रेंज जो होगी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज क्या होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, v टॉप इनटू रूट 2h / g। रेंज कितना आएगा, देखो इस पॉइंट से कितना हॉरिजॉन्टल आगे जाके गिर रही है x, और x की वैल्यू कितना गिवन है आपको 3r, तो x की वैल्यू 3r, vt vt आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ 2r / g। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास vt इज 3r अपॉन 4r g। ओके, अब ये vt आ गया, अब इस vt को आप यहां पे एनर्जी इक्वेशन में डाल दें तो हाफ एम वी बी स्क्वायर इज हाफ एम वी टी स्क्वायर प्लस एम जी टू आर, ये एनर्जी इक्वेशन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहां पे vt की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो आपका vb जो आएगा वो उस केस में बन जाएगा रूट ऑफ 5 बाई 2 जी आर। सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, एग्जेक्ट आंसर आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये अपना यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ 1 में आपको इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r हैविंग करंट डेंसिटी दिस। ओके, तो आपको बताना है कि वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। ओके, अब यहां पे एम्पियर रूल क्या कहता है, एम्पियर रूल ये कहता है कि किसी भी पॉइंट में अगर आप r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हो तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन होती है मी नॉट 2 पाई r is v 2 pi r mu not summation of i in। अब summation of i in के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास जो इक्वेशन है j j not 1 minus x 1 minus r by r, सबसे पहले इसमें आप di निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, j 2 pi r dot dr, फिर इसका आप इंटीग्रेशन करो 0 से r तक और यहां 0 से i तक। तो यहां जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसमें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, j नॉट की वैल्यू रख दो यहां पे तो j नॉट और 2 पाई तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस r बाई आर, 1 माइनस r बाई आर और r डॉट dr। ओके, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा 0 से लेकर के r तक, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे आपका आंसर जो बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए, योर आंसर विल बी आई इज म्यू नॉट जे नॉट एंड सॉल्व करने पे 2 पाई जे नॉट
टू पाई जे नॉट, ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर क्यूब बाई थ्री आर, इस तरह से मेरे पास आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस आई की वैल्यू को आप यहां रखोगे तो आपके पास बी इन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, यहां लिखोगे टू पाई जे नॉट आर स्क्वायर माइनस टू आर क्यूब बाई थ्री आर। ओके, टू पाई से टू पाई कटेगा तो सॉल्व करने पे आएगा म्यू नॉट जे नॉट आर बाई टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन थ्री आर। ये तो देखो सिंपल मैंने एम्पियर रूल को यूज करते हुए क्या ही फाइंड किया, यहाँ पे मैंने सिंपल एम्पियर रूल को यूज करते हुए फाइंड किया b की वैल्यू। अब आपको b मैक्सिमम बताना है, r की वो वैल्यू जिसके लिए b मैक्सिमम हो, है ना। जब मैं साइड से हटता हूँ ना स्क्रीन से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। अब इसमें b मैक्सिमा के लिए, फॉर b मैक्सिमम dv by dr इज व्हाट, जीरो। अब dv by dr जब जीरो होगा तो उस केस में मेरे पास सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3r by 4। तो ये 3r by 4 के लिए मेरा आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा। फिर b की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा 3 by 16। इसी को जब आप पुट करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 by 16 म्यू नॉट जे नॉट इनटू r। ये b मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी इस केस में। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सिंपल आपको क्या करना था, एम्पियर रूल यूज करते हुए पहले करंट फाइंड करो। देखो मैंने करंट फाइंड कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, एम्पियर रूल में करंट की वैल्यू निकालो। पहले तो आपने एलिमेंट लेकर के करंट फाइंड किया, ये स्टेप वन। फिर आपने करंट फाइंड करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया किसी आर पोजिशन पे, ओके, ये स्टेप टू। मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद बी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है आर के रिलेटिव, कर दिया सॉल्व करने पर आंसर आ गया देखो। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगला आता है मेरे पास, दोनों क्वेश्चन का आंसर बन गया तेरे ना, ओके बच्चों। फिर पैराग्राफ टू में आपको एक फोर्स गिवन है, दो फोर्स गिवन है, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं। फोर्स गिवन है, रेडियस गिवन है, मास गिवन है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इज ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी इज 4 केजी मीटर स्क्वायर। तो 4 केजी मीटर स्क्वायर आपको इनर्शिया गिवन है। इफ ग्राउंड इज स्मूथ देन व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। ग्राउंड अगर स्मूथ है तो यहां कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो उस केस में देखो दोनों का एफ नेट तो कितना हो जाएगा, जब हम स्मूथ ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो एफ नेट हो जाएगा एफ माइनस एफ जीरो। एफ माइनस एफ जीरो होने से एसीएम जीरो, इसका मतलब वीसीएम भी जीरो। लेकिन क्या टॉर्क नेट जीरो आएगा, नहीं, टॉर्क नेट देखो आएगा इसका, तो टॉर्क नेट हो जाएगा एफ इंटू टू आर माइनस एफ इंटू आर इज एफ इंटू आर, ओके। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा एफ इंटू आर, तो इससे अल्फा कितना आ जाएगा, जब आप यहां वैल्यूज डालोगे बेटा तो अल्फा आई और एफ की वैल्यू डालो यहां पे, तो अल्फा आ जाएगा एफ आर डिवाइड बाय आई। एफ कितना है मेरे पास 10, आर कितना है 1/2, तो अल्फा हो जाएगा 5, सॉरी ये मास नहीं, इनर्शिया कितना दिया इसमें 4 दिया हुआ है ना, तो इनर्शिया 4 दिया हुआ है, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5/2 अल्फा आते ही ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा मेरे पास अल्फा टी, यानी कि 5/2। टी की वैल्यू कितना 2 सेकंड दिया हुआ है, कितना है 5 आया। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ 4 5 का स्क्वायर 50 जूल, तो 50 जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इस केस में। थर्ड ऑप्शन आपका बन रहा है, कब, जब सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ है, ओके बच्चों। लिखो यहां तक एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। अब दूसरे केस में जब आपको ये बोला है कि इसमें फ्रिक्शन भी हो, जैसे सेकंड केस में बोला है कि जब सरफेस में सफिशिएंट फ्रिक्शन हो, अब सफिशिएंट फ्रिक्शन हो तो उस केस में क्या होगा देखना, सफिशिएंट फ्रिक्शन हो तो उस केस में देखो यहां पर सफिशिएंट फ्रिक्शन भी है। अभी रोल तो किधर करना चाह रहा है, ऐसे करना चाह रहा है ना, तो ये रोल तो ऐसे करना चाह रहा है क्योंकि टॉर्क इसे एफ का ज्यादा है, तो रोल अगर ऐसे करना चाह रहा है तो ये यू घूमना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे ऐसे लग जाएगा, ये फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, देखो रोल ऐसे कर रहा है तो ये इसको आगे ट्रांसलेट करना चाहेगा। तो अल्टीमेटली अब इसमें मैं ऐसा करता हूं,
इस पॉइंट के अबाउट, देखो इस पॉइंट के अबाउट जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस हम इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आएगी अगर ये प्योर रोलिंग करेगा, पर्याप्त खुरदरा, सफिशियंट फ्रिक्शन का मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग होगी। जिस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग होती है बेटा, उस प्योर रोटेशनल मोशन, देखो कॉन्टेक्ट पॉइंट की स्पीड जीरो आएगी ना प्योर रोलिंग के केस में, तो इस जिस पॉइंट की स्पीड जीरो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर। और इंस्टेंटेनियस एक्सिस यहीं से पास होगी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट केवल प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। तो ग्राउंड की रिलेटिव देखिए, मतलब सेंटर की रिलेटिव देखिए, तब तो ये रोलिंग मोशन कर रहा है, लेकिन कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट देखे तो ये उस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास, हाफ आई सी इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो इसको आईसी में बोल रहा हूं, तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसी इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये आईसी कैसे निकालोगे बेटा, आई प्लस एम डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई प्लस D की वैल्यू क्या है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R जितनी। तो सबसे पहले तो यहां पे आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट करोगे, तो एनर्जी आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4, मास की वैल्यू कितना है 2, रेडियस 1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 6 3 ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे केवल यहां पे वैल्यू किसकी पुट करनी है बेटा, मुझे केवल यहां पर वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करने पे ये तो आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, थ्री ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये क्या है, एनर्जी। अब मुझे क्या लगा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है, इस पॉइंट से 3F की डिस्टेंस कितनी, F की डिस्टेंस कितनी है 4R, इस F की डिस्टेंस कितनी है 3R, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आई अल्फा। और आई भी किसके अबाउट लोगे आप, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट लेना है, तो ये कौन सा आई सी, ये भी आई सी और ये अल्फा। अल्फा ध्यान रखना पूरे ऑब्जेक्ट का होता है, चाहे आप इस आईसी, आईसी मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट लो या और सेंटर के अबाउट लो, दोनों के अबाउट अल्फा तो सेम ही आएगा। आईसी के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा 4R इनटू F माइनस 3R इनटू F, आई कितना आया था बेटा 4 और 2 6 अल्फा, तो ये आ जाएगा मेरे पास R इनटू F 6 अल्फा। R into F कितना टॉर्क आएगा, R और F को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 by 6 is alpha is what 5 by 3, तो ओमेगा कितना हो जाएगा अल्फा इंटू टी 5 by 3 into 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 by 3। अब यहां ओमेगा की वैल्यू 10 by 3 डाल दो, 10 by 3 डालने पर आपका आंसर बन जाएगा 10 by 3 वहां डालोगे तो 100 by कितना हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 3 ओमेगा स्क्वायर, और 3 ओमेगा स्क्वायर में यहां वैल्यू कितना 2 सेकंड पर डालना है, तो यहां मेरे पास एनर्जी आ जाएगी 3 ओमेगा की वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 10 बाय 3 स्क्वायर, तो दिस विल बी 100 बाय 3, तो इस केस में जस्ट लेट मी चेक ओमेगा, ओके t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसमें आंसर आएगा 100 बाय 3, तो अपना आंसर हो जाएगा नन। ओके तो इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन, 100 बाय 3 इसका आंसर आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये यहां पे इसमें की करेक्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस करेक्ट मिलेंगे। फिर बोला है पार्टिकल ऑफ मास इन इट्स प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब मेकिंग एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से अगर आपने बनाया है, तो इस केस में देखो पार्टिकल जब यहां से फेंका 45 डिग्री से, तो वो जब यहां आएगा तो उसकी स्पीड कितनी बचेगी v by root 2, फिर ये हाइट कितनी बचेगी h। अभी बोल रहे हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा m v by root 2 h। ओके अब h कैसे निकालोगे, h हो जाएगा v square sin square 45 by 2g, तो ये हो जाएगा मेरे पास v square upon 4g is h, तो v square कितना हो जाएगा मेरे पास 4gh। तो यहां पे सबसे पहले v की वैल्यू अगर आप रखोगे root 4gh by root 2h, तो ये कितना आ जाएगा m 2gh cube root में, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा इसको अगर आप h को v की टर्म्स में लिखते हो, तो h v की टर्म्स में कितना हो जाएगा v square upon 4g,
तो एच वी की टर्म्स में अगर आप लिखते हैं तो आपके पास एक और जो यहाँ से ऑप्शन बनेगा, एक तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा वी बाई रूट टू वी स्क्वायर अपॉन फोर जी, तो ये कितना हो जाएगा एम वी क्यूब अपॉन फोर रूट टू जी, तो एम वी क्यूब अपॉन फोर रूट टू जी सेकेंड ऑप्शन भी बन गया। तो इसका मेरे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। स्क्रीन शॉट ले बेटा इसका, नोट करें इसको। ओके फिर उसके बाद आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ओके अगला क्वेश्चन ये रहा, अगले क्वेश्चन में पार्टिकल पी ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल एक्सिस। अब यहां पे जो वर्टिकल एक्सिस है एपी और बीपी, इसका टेंशन इन्होंने माना है टी वन, इसका टेंशन माना है टी टू, ठीक है। अब इसमें देखो T1 का एक कंपन, देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा, तो ये भी 60, ये भी 60, ये 30, ये भी 30, तो फाइनली मेरे पास कंपोनेंट क्या आएगा T sin 30 यानी कि T1 by 2, इधर आ जाएगा T1 cos 30 यानी कि root 3 T1 by 2, इधर आएगा T2 cos 30 यानी कि root 3 T2 by 2, ये आएगा T2 by 2, और एक और कौन सा फोर्स लग रहा है mg। देखो कौन किसको बैलेंस करेगा, T1 by 2 T2 by 2 plus mg, तो इसका मतलब T1 is T2 plus mg, पहली इक्वेशन तो T2 plus 2mg, पहली इक्वेशन तो ये आ जाएगी। ओके तो T1 plus T2 equals to 2mg है ना, पहली इक्वेशन ये, तो T1 minus T2 equals to 2mg लिख सकता हूँ क्या इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये देखो मेरे पास एक तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, तो T1 T2 वैसे भी इक्वल तो नहीं है, ये तो फिर ऑलरेडी इसमें डिफरेंस है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, अब इनमें से कोई एक और निकालना है। देखो दोनों कंपोनेंट लिख के क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रूट थ्री टी वन बाई टू प्लस रूट थ्री टी टू बाई टू इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो यहाँ रूट थ्री बाई टू लिखते हैं टी वन प्लस टी टू एम ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आएगी एल का कॉस 33 कंपोनेंट, तो एल रूट थ्री बाई टू, तो ये दोनों कट देंगे तो मेरे पास T1 plus T2 क्या हो जाएगा m omega square l, तो T1 plus T2 is m omega square l, second option भी correct आ रहा है, third option भी correct आ रहा है। अब string BP जो है वो tight कब रहेगी, string BP tight कब रहेगी बेटा, जब उसका tension BP का tension T2 हमेशा greater than zero होना चाहिए, तो BP tight कब रहे उसका मतलब T2 जो है वो हमेशा greater than equals to zero आना चाहिए। अब T2 जीरो आना चाहिए तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ T1 की रिप्लेस कर देता हूँ वैल्यू यहाँ पे, तो इसमें T1 की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ मैं T2 plus 2mg plus T2 equals to m omega square l, तो इससे मेरे पास T2 कितना आ जाएगा m omega square l minus of 2mg डिवाइड बाई टू। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, मतलब टी टू टाइट उसके लिए ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, या जस्ट जीरो होने की कंडीशन में इक्वल टू जीरो कर दो, तो इसका मतलब ओमेगा जो है वो रूट टू जी बाई एल से बराबर या ज्यादा आना चाहिए, तो मेरे पास ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया इसका। ओके बच्चों तो ये यहाँ पे अपना एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। फिर उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक रॉड है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 6 है, मास कितना है 8 m, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे स्मूथ टेबल पे, ठीक है। टू पॉइंट मास इस पाके टकराते हैं, सबसे पहले देखो इसमें p इक्वेशन लगा दो, p इक्वेशन मतलब मोमेंटम इक्वेशन, पहले वाले का स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर नेगेटिव माने तो इसका मोमेंटम कितना है बेटा नेगेटिव, दूसरा वाला जो कि ऊपर आ रहा है उसका मोमेंटम क्या है पॉजिटिव, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा सिस्टम का, देखो इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा मेरे पास 2m m और इसका मास कितना है 8m, तो 8 2 10 11m, 11m टोटल मास v डैश, तो v डैश कितना आएगा इससे जीरो, ये v डैश किसकी स्पीड है बेटा, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, मतलब जो इस पूरे सिस्टम का कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास है, इस सिस्टम का जो कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, वो बिल्कुल रेस्ट पे है कोलिजन के बाद भी, ये तो मोमेंटम इक्वेशन। उसके बाद हम बनाते हैं एल इक्वेशन यानी कि टॉर्क इक्वेशन, तो टॉर्क इक्वेशन देखो यहाँ पे जब ये पूरा पार्ट सिस्टम चिपक जाएगा, तो यहाँ पे जब ये पूरा ऑब्जेक्ट जब दोनों इसकी चिपकेंगे, तो ये सेंटर 2m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चिपका हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चिपका हुआ है,
ये डिस्टेंस आएगी 2a, ये डिस्टेंस a, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा ना। तो मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है बेटा, 2mv वाला मोमेंटम किधर है? देखो ये ऐसे रोटेट करवाना चाह रहा है a डिस्टेंस पे। दूसरा mv वाला मोमेंटम कितनी डिस्टेंस पे? m into 2v वाला मोमेंटम, ये है मेरे पास डिस्टेंस 2a, और इसको मैं लिखूंगा आप i into omega। ओके बेटा, तो ये कितना आएगा 4mva, 202 7mva, i कितना आ जाएगा मेरे पास 8m 6a स्क्वायर बाय 12। ये तो किसका इनर्शिया है? रॉड का इनर्शिया। फिर उसके बाद आएगा मेरे पास पार्टिकल का इनर्शिया क्या जाएगा, 2m a स्क्वायर m into 2a स्क्वायर is omega। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास ओमेगा आएगा v by 5a। तो एक तो ओमेगा v by 5 आ जाएगा, vc 0 आ जाएगा। उसके अलावा आपको फिर पूछा है एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू जो यहां से v by 5 आई और जो इनर्शिया आया उसको आप पुट करोगे तो आपका जो v by 5 एनर्जी का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अपने पास 3mv स्क्वायर बाय 5। तो इसमें i और ओमेगा की वैल्यू पुट करो आपका आंसर बन जाएगा। इसमें बन रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम यहां आपको करनी है। तो कंसेप्ट के नाम पर आपको मोमेंटम इक्वेशन बनाना है, आपको उसमें l इक्वेशन यानी कि मोमेंटम इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद आपको फिर एनर्जी इक्वेशन बनानी है। ओके बच्चों, तो लिखें यहां तक इस क्वेश्चन को। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस आर। अब ये सिलेंडर जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, इसको हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से चला दिया। अब देखते हैं, अब ये तो जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली रहा है ना, इस बड़े वाले पे अपन देख लेते हैं, अपन ग्राउंड फ्रेम में इसमें एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए नोट रहा होगा, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा रहा होगा एंगुलर वाला। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, वो आएगा a नोट प्लस अल्फा आर, ठीक है। अब a नोट प्लस अल्फा आर और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट का कितना है a, तो स्लाइडिंग नहीं हो उसकी कंडीशन क्या है? देखो स्लाइडिंग नहीं होने की कंडीशन ये है कि इसमें, अच्छा इस पे इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्रिक्शन है ना। तो पहली बात तो स्लाइडिंग नहीं होने की कंडीशन क्या है कि a जो है वो a नोट प्लस अल्फा आर के जितना होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। इस ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, देखो इस पे फ्रिक्शन लगेगा ना, इसे तो इस पे जब फ्रिक्शन लगेगा fs, तो fs की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, fs की वैल्यू हो जाएगी i अल्फा, और i कितना हो जाएगा इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा है सॉलिड सिलेंडर है, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ओके, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो ये मैंने सेंटर ऑफ मास, इसमें ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगा के पहले तो मैंने क्या निकाला इसमें इसका एक्सेलरेशन। अब तो ये तो और की इक्वेशन लगे, अब इसमें जो फोर्स इक्वेशन लगेगी वो फोर्स इक्वेशन कैसे लगेगी, एफ नॉट एफ एस इज एम इंटू ए नॉट, तो एफ एस ए नॉट कितना हो जाएगा बेटा इस केस में एफ एस बाई एम। अब देखो अल्फा निकल रहा है मेरे पास, ये टॉर्क क्या हो जाएगा एफ एस इंटू आर, स्लाइड चेंज करता हूं मैं। देखो फोर्स इक्वेशन बना दी, फोर्स इक्वेशन इस फोर्स की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, टॉर्क भी कौन दे रहा है फ्रिक्शन, तो टॉर्क इक्वेशन फोर्स इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है तीसरी इक्वेशन। अब यहां पे आप दोनों तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, ए इज एल ए नॉट प्लस एल्फा आर, ए कितना हो जाएगा मेरे पास एफ बाई एम, एफ बाई एम, और अल्फा कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्फा हो जाएगा इधर एम आर स्क्वायर आएगा ना, तो अल्फा हो जाएगा एफ आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई टू आर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3f by m is a, f कितना हो जाएगा बेटा ma by 3, तो इसका मतलब जो इसमें फ्रिक्शन लगे क्या वो कितना लगेगा ma by 3, तो फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड लगेगा, वैल्यू कितनी है ma by 3, बिल्कुल सही बात है। अब ये फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक से कम होना चाहिए, मतलब स्टैटिक की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना उससे कम होना चाहिए, मतलब म्यू mg से कम होना चाहिए, m से उड़ा दो तो एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल्स टू कितना रहेगा 3 μg,
तो म्यू लेस देन 3g, अब इस केस में हाँ, अब इस केस में देखो प्योर रोलिंग के दौरान एक्सेलरेशन जो है वो इतना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच सिस्टम परफॉर्म प्योर रोलिंग। अब a की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए सिस्टम प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा, तो वो प्योर रोलिंग के लिए, अब f की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, म्यू mg, तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहां पे f, a मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3f मैक्सिमम बाय m, f मैक्सिमम कितना हो जाएगा म्यू mg, इससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, बाय m, तो ये कितना हो जाएगा 3 μ 3g, तो ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे वो मोशन करेगा। तो फाइनली मेरे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम फॉर विच ये यहां पे 3 μ आना चाहिए, तो 3 μg ये वाला ऑप्शन अपना सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, 3 μg वाला। ओके बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर प्योर रोलिंग। अरे यहाँ पे ये m लिखा है तब तो गलत है, और म्यू लिखा है तो सही होगा। अब यहाँ फिलहाल ये m है जैसा मेरे को दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर बोल रहा है बोर्ड के लिए a मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, वो a बाई 3 होना चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो, यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है वो डिसाइड करेगा कौन, एक्सेलरेशन, वो कौन डिसाइड करेगा, फ्रिक्शन। तो इस केस में मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, है ना, काफी कुछ डेटा अपन ने यहाँ लिख दिया है। हाँ, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ने फ्रिक्शन निकाल लिया था, ये आया था इतना, तो इस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3f by m, और 3f की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, मैक्सिमम म्यू mg by m, तो एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 3 μg। ओके बच्चों, तो यहाँ एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 μg, जैसे मेरे पास एक्सेलरेशन 3 μg आया मैक्सिमम, उसको आप यहां पुट करोगे तो ये आएगा मेरे पास 3 μg, इसको a नॉट किसकी वजह से मिलेगा, फ्रिक्शन की वजह से, ये कितना हो जाएगा μg, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास अल्फा, देखो a नॉट तो केवल फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है, अल्फा r, तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फा आ जाएगा 2 μg डिवाइड बाय r। तो एक्सेलरेशन के लिए जो सेंटर ऑफ मास में इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन केवल a नॉट के जितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास a नॉट, यानी कि टोटल जो कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन है उसमें a नॉट की वैल्यू डायरेक्ट यहां आ चुकी है अपने पास, तो a नॉट कितना आएगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन माइनस अल्फा r, कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जितना है अल्फा r को माइनस कर दो, अल्फा कितना है बेटा ये, तो इस केस में a की वैल्यू a, अल्फा है 2 μg बाय r, r तो अल्फा a माइनस 2 μg, अब 2 μg किसकी वैल्यू थी, इसकी म्यूजी को लिखो a बाई 3, तो ये आ जाएगा a माइनस 2 a बाई 3, तो ये मेरा आंसर क्या बन रहा है, a बाई 3 बन रहा है। तो इस केस में देखो बच्चों आंसर बन रहा है a बाई 3, तो a बाई 3 अब मेरा कौन सा ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा a बाई 3, तो इस केस में फर्स्ट और थर्ड जो है वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा यहां तक, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, है ना, बी ऑप्शन में अगर m की जगह म्यू होता तो वो भी सही होता ना? लेकिन यहाँ पे केवल फर्स्ट और थर्ड सही होगा। ओके बच्चों, फिर उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन में अपने पास है ए बॉल ऑफ मास m 1 kg थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड 4 m/s, इसको अपन ने 4 की स्पीड से फेंका है, दूसरी जो है वो रेस्ट पे, तो देखो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आएगी, VCM आएगा मेरे पास 4 × m 0 × m / m, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आएगी 2, है ना, क्योंकि एक बॉल ऊपर फेंकी एक बॉल यहीं पे, अब इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया इनिशियली यहीं पे रहा होगा, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की स्पीड ऊपर आ रही, तो सेंटर ऑफ मास कुछ डिस्टेंस तक तो ऊपर जाएगा, बाद में दोनों बॉल आएगी जमीन पे तो सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आके गिरेगा जमीन पे। अब ऑप्शन पढ़ लें, दोनों गेंदों का एक्सेलरेशन जो है वो g by 3 डाउन है, गलत, दोनों का एक्सेलरेशन होगा g डाउन, है ना, तो ये गलत हो गया, the center of mass move up and then move down, ये बिल्कुल सही है, the acceleration of center of mass is g down, ये भी बिल्कुल सही है, center of mass two ball remain stationary, गलत है, बोल रहे ऊपर जाके नीचे आएगा, है ना, तो ये तो सिंपल जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कंसेप्ट लगा लेते हैं बस, है ना, विदाउट कैलकुलेशन ये क्वेश्चन हो गया अपना।
अगला आता है टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 एंड वेलोसिटी u1 u l by u1 मैक्स एन इलास्टिक कोलिजन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम टू पार्टिकल आर इक्वल, है ना। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल है m1 मास का, u1 स्पीड से आता है, दूसरा जो दूसरा पार्टिकल है m2 मास का वो अल्फा u1 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों पार्टिकल जो है वो इलास्टिक कोलिजन यहां पे करते हैं। अब जब दोनों पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो उस केस में देखो इनकी स्पीड में मान लेता हूं बाद में ये v1 रही होगी और इसकी स्पीड जो है वो v2 रही होगी, ये m2 ये m1, ओके। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, मैक इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल आर इक्वल और m1 कम्स टू रेस्ट, m1 कम्स टू रेस्ट मतलब कि m1 तो जीरो हो गया, तो फाइनल मेरा मोमेंटम किसके पास है, m2 के पास है, है ना। अब इस केस में देखो सबसे पहले मोमेंटम इक्वेशन बनाओ, तो m1 u1 प्लस m2 अल्फा u1 m1 v1 और इसका तो मोमेंटम सॉरी m1 रेस्ट पे आया ना, तो m1 का मोमेंटम जीरो और ये आएगा m2 v2। पहली इक्वेशन तो मेरे पास ही आ जाएगी, फिर दूसरी इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, स्मॉल e इक्वेशन। स्मॉल इक्वेशन क्या कहती है कि जो सेपरेशन स्पीड है और जो अप्रोच स्पीड है उसका रेशियो e के इक्वल होता है, तो यहाँ e की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 इक्वल्स टू v2 माइनस 0 अपॉन u माइनस अल्फा u 1, ओके। तो इससे मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास u 1 माइनस अल्फा इज v2, ओके। अब ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2, शुरुआत में दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इज हाफ m2 अल्फा u1 स्क्वायर, तो इससे मेरे पास m1 बाय m2 का रेशियो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अभी m1 m2 का रेशियो जो है सो आप यहां डालो m2 वाली इक्वेशन में, है ना, m2 और v2 की जगह क्या डालोगे, v2 की जगह आप ये वाली इक्वेशन डाल दो u1 वाली, तो इससे आपका जो है ना अल्फा वो आ जाएगा। तो देखो इसको इक्वेशन क्या देते हैं अपन, इक्वेशन इसको नंबर डाल देते हैं थर्ड। थर्ड इक्वेशन के बाद अपना यहां पर जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इसमें आपका इक्वेशन बनेगी m1 u1 की जगह u1 प्लस m2, m2 को क्या लिखोगे आप बेटा, यहां से m1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो m1 अपॉन अल्फा स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद यहां पे u1 की जगह लिखो u1 की जगह u1, फिर आएगा मेरे पास m2, m2 की जगह लिखो आप m1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और u v1 v2 की जगह लिखोगे u1 1 माइनस अल्फा। बस ये अपने पास एक लास्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है, इससे आपको जो है वो किसकी वैल्यू मिलेगी, इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व करने पे इसका अल्फा कितना आएगा, रूट टू माइनस वन, ओके। अब ये अल्फा की वैल्यू जब आपके रूट टू माइनस वन आ चुकी है, उसको आप यहां पुट करके m1 m2 का रेशियो निकाल सकते हैं, ओके। फिर आप यहां पुट करके u1 का रेशियो और u1 और u2 का रेशियो निकाल सकते हैं, ओके बच्चों। तो यहां पर अपनी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होती है। बच्चों अगला सेवन क्वेश्चन, इसमें आपको चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट चार्ज मूव। अब देखो इसमें मास कितना दे दिया इन्होंने, वन दे दिया, चार्ज क्यू कितना दे दिया, वन दे दिया, वेलोसिटी वेलोसिटी कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा टेन, है ना। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है टू। सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, टी इज टू पाई एम बाई क्यू बी, है ना। तो टू पाई की जगह पाई, एम की जगह वन, क्यू की वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे, Q की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितना गिवन है 2, तो टाइम कितना आ जाएगा पाई, पाई मतलब कि 3.14 सेकंड। एक तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो वेलोसिटी कौन से प्लेन में है, वेलोसिटी जो है वो xy प्लेन में है। वेलोसिटी अगर xy प्लेन में हो और मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके परपेंडिकुलर चल रहा है, तो वेलोसिटी xy प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर मतलब डॉट में, तो मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल के किसी इंस्टेंट पे 8i6j वेलोसिटी इस तरह से दी हुई है, ओके। तो इसका मतलब यहां कहीं इसका सेंटर रहा होगा, इसका सेंटर यहां कहीं रहा होगा, तो रेडियस कितनी आएगी इस केस में, रेडियस आएगी मेरे पास एम वी बाई क्यू वी, एम की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 2, रेडियस कितना आएगा 5। इसका मतलब एक ऐसा सर्किल बन रहा है जो एक्स वाई प्लेन में है और उसकी रेडियस 5 है। तो देखो एक्स वाई प्लेन में कौन कौन सा सर्किल है,
ये गिवन है ठीक है, और इसका जो इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 25। इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका सेंटर क्या है 2, 0, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर कहाँ है हम बता नहीं सकते, हमें केवल इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि ये जो सर्किल है वो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन सेंटर कहाँ ये नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम सारे ऑप्शन लेके चलेंगे जो एक्स वाई प्लेन वाले सर्किल है और जिनकी रेडियस 25 है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन उसी को डिनोट कर रहा है, दूसरे में तो ओरिजिन सेंटर मान के दे दिया, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तीनों सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में सर्किल कौन से प्लेन में दिया, वाई जेड प्लेन, जो कि गलत है। वाई जेड प्लेन में सर्किल नहीं होगा ना, सर्किल यहाँ वेलोसिटी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो सर्किल भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज देखनी है ना, तो केवल क्या देखना है पॉसिबिलिटी में, कि एक्स वाई प्लेन में सर्किल होना चाहिए और उसकी जो रेडियस है वो 5 होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अपना 7 के बाद 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कांसेप्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो केवल बैटरी स्टैब्लिश करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से होता है, वो केवल कंडक्टर के अंदर होता है ना। लेकिन करंट जब होती है ना, तो ये करंट जब इसमें फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो केवल कहां पर जीरो होता है, एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे जीरो होता है, जबकि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन विसिनिटी ऑफ कंडक्टर जीरो, सही बात है, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने की वजह से विसिनिटी में फील्ड कितना आ जाएगा, ई आउट जो है वो जीरो आता है ना, जबकि बी आउट जो है वो जीरो नहीं आता, वो इस पैटर्न को फॉलो करता फिर बी, है ना। बस ये दो ऑप्शन हो जाएंगे अपने करेक्ट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, आपने जब किसी भी पार्टिकल को फेंका होगा तो उसमें हेलिकल, ये जो कुंडलिनी पथ बन रहा है, मतलब कि हेलिकल जो पाथ बन रहा है, उसकी कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए, ये एंगल कभी भी 90 होना चाहिए। अगर टोटल वेलोसिटी का एंगल 90 हो गया ना, तो फिर तो सर्किल बन जाएगा। तो इस केस में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो ना तो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ना 0 या 180 पे होनी चाहिए, क्योंकि 0 और 180 पे स्ट्रेट पाथ बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं, नेवर मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही बात है, पैरेलल टू एक्सिस तो चलेगा ही नहीं ना, उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा रहेगा, तभी तो उसका हेलिकल पाथ बनेगा। मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस वंस ड्यूरिंग एवरी रोटेशन, गलत, चाहे आप थीटा कितना भी रख दो, किसी भी केस में वो पैरेलल टू एक्सिस तो चलेगा ही नहीं। ये सही है, नेवर मूव परपेंडिकुलर, ये वन नहीं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वो कभी नहीं जाएगा, है ना। तो ये अपना ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। ओके बच्चों, तो ये अपना एक और ऑप्शन बन गया यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 10th क्वेश्चन बोला है, वन एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज टाइड टू स्मॉल बॉल ऑफ मास एम। ये यहाँ पे बॉल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन, लोएस्ट प्लेन पॉइंट पे इसकी स्पीड कितना है 20 gl। ये सिंपल यहाँ पे सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट लगाना है, तो टेंशन एट बॉटम पॉइंट कितना हो जाएगा, टी बॉटम माइनस एम जी इज एम वी बॉटम स्क्वायर बाई एल, सॉल्व करने पे कितना आएगा 21 mg। अब इसका देखो ये स्पीड जो है वो √5 gl से ज्यादा है, तो सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट करेगा। फिर जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा उसकी टॉप पॉइंट पे स्पीड कितनी बचेगी, स्पीड जो भी बचेगी, लेकिन डिफरेंस जो आएगा टेंशन में, वो टेंशन का डिफरेंस कितना आएगा 6 mg का। तो अगर बॉटम पॉइंट पे टेंशन कितना है 6 mg, तो मिनिमम टेंशन कितना है बॉटम पॉइंट पे 21 mg, उससे 6 mg कम होगा टॉप पॉइंट पे, कितना हो गया 15 mg हो गया, तो 15 mg ये हो गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो, टॉप पॉइंट पे जो है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सारे फोर्स जो है वो रेडियल डायरेक्शन में लग रहे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 एट टॉप पॉइंट, बस हो गया अपना काम। हमें केवल एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन लगा के बॉटम पॉइंट पे टेंशन निकालना है, उसके बाद तो रिजल्ट यूज कर लेना कि टॉप और बॉटम का डिफरेंस 6 mg होता है। तो यहां पे अपना ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन उसके बाद टू पार्टिकल पी एंड क्यू आर एट 10 m अपार्ट, तो इसमें आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। इसकी वेलोसिटी कितना गिवन है, वीपी, वीपी गिवन है 8, वीक्यू गिवन है 6, तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा 8 sin थीटा यानी कि 4, इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा 6 sin थीटा यानी कि 3, तो टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी 4। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
ओमेगा का फॉर्मूला होता है वी पी परपेंडिकुलर माइनस वी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। वी पी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास, चार माइनस माइनस तीन डिवाइड बाई टेन पॉइंट सेवन। तो पॉइंट सेवन, अब पॉइंट सेवन को मुझे ऐसे लिखना है, तो पॉइंट सेवन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेवेंटी इंटू टेन टू द पावर माइनस टू। तो फाइनली मेरा इंटीजर में आंसर क्या बन जाएगा, एन टी वैल्यू बन जाएगी 70। ओके बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, अगले पे आते हैं। अगले में आपको गिवन है बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड स्विंग इन वर्टिकल प्लेन सो दैट दिस एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है और लोएस्ट पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन वो इक्वल है। यहां एक्सेलरेशन केवल कौन सा होगा, 80 दैट इज जी साइन थीटा, और यहां कौन सा एक्सेलरेशन होगा, केवल एसी जो इधर आता है। अब वो एसी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 80 इक्वल्स टू एसी है ना। 80 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां तो जी साइन थीटा है ना, 80 कहां पे बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एसी कहां पर है, मीन पर। तो जी साइन थीटा एसी कितना हो जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर कितना हो जाएगा इस केस में, v स्क्वायर हो जाएगा 2gh बाय r। तो 2g r, r का मतलब है h का मतलब क्या हो जाएगा, l1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा l, सो ये खत्म, g से g खत्म, तो ये हो जाएगा sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इधर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके देखो 2 खत्म, साइन थीटा बाई 2 खत्म, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, 1 बाई 2 इज टेन थीटा बाई 2। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स, यहाँ पे आपका थीटा का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 टेन इनवर्स हाफ। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, 2। ओके नेक्स्ट आता अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि आवर्तकाल टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ एच बाई जी। अब यहाँ एच आपको 2 दिया हुआ ऑलरेडी है ना, तो 2 पाई 2, और यहाँ जी की जगह मैं जी इफेक्टिव लिख दू, तो जी इफेक्टिव से कितना आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो 1 का स्क्वायर इधर, पाई का स्क्वायर इधर, 2 जी इफेक्टिव। तो यहां से जी इफेक्टिव आ जाएगा मेरे पास 20, पाई स्क्वायर की वैल्यू 20 डाल दूंगा, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, 20 आने का मतलब ऑब्वियसली आधे प्लस ही हुआ होगा 20, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना हो जाएगा उस केस में, 10 है ना। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 का एक्सेलरेशन हो जाएगा। वैसे भी नीचे आती हुई लिफ्ट में अगर रिटार्डेशन होना तो उस केस में जी इफेक्टिव जी प्लस ही होता है, तो ये आ जाएगा 10। ओके तो ये n की वैल्यू इस केस में 10 आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको, देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मैं ऐसा करता हूं, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक एक्सिस यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, लेकिन ये एक्सिस जो है ना वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये एक्सिस है ना। अब यहां को ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, सेंटर और उसके बीच की डिस्टेंस a बाय रूट 2, इसमें साइड कितना दिया हुआ, l दिया हुआ ना, तो साइड गिवन है l, तो ये हो जाएगा l बाय रूट 2 है ना। अब ये यहां से मैं ऐसा करता हूं, परपेंडिकुलर डाल देता हूं इस पे है ना। अब परपेंडिकुलर डाला, देखो ये एंगल टोटल कितना होगा, 90 है ना, 90 में से फिर उसके बाद ये जो एंगल यहां बनेगा, ये वाली लाइन और ये एंगल, ये 45 बनेगा, तो टोटल एंगल 90 में से 45 ये और 15 ये, तो ये कितना बचा मेरे पास, 30। तो अब देखो इस ट्रायंगल को देखना, ये तो d मान लिया, ये l बाय रूट 2 और ये 30, तो मेरे पास d क्या हो जाएगा बेटा, l बाय रूट 2 का cos 30, तो ये हो जाएगा l बाय रूट 2 cos 30, इसका मतलब कि ये हो जाएगा मेरे पास रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 l अपॉन 2 रूट 2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास d की वैल्यू। अब जो यहां पे ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो होता है ICM cross by 2। ICM क्या होता है बेटा, ML square by ML square by 6 होता है ना, उसका भी आधा करना है, तो ये हो जाएगा ML square by 12। अब ML square by 12 plus, तो ये दोनों एक्सिस जो आपस में पैरेलल है, इनका लिए क्या इक्वेशन बनेगी, I net equals to, इसके अबाउट में मान लेता हूं I net,
क्या हो जाएगा आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर। आई डैश कितना है मेरे पास एम एल स्क्वायर बाई 12। एम डी कितना आएगा बेटा, डी आ जाएगा मेरे पास रूट थ्री एल अपॉन टू रूट टू स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 8 और इधर 3, तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा बेटा नीचे आएगा 24। तो ये आएगा आपका आंसर सॉल्व करने पे 11 एम एल स्क्वायर बाई 24। तो 24 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो 24 से आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एन की वैल्यू जाएगी 24, है ना। ऑप्शन क्या वैल्यू लिखनी है आपको, है ना। तो लिखो बेटा इसका सॉल्यूशन, नोट करो एक बार। ओके अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि कितना इसमें संभव इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ब्लॉक है उसमें कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो फिसलने से पहले टोपल हो जाए। अब टोपल होने की कंडीशन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे जो फोर्स लगे उसका टॉर्क, अब ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट आएगी रूट थ्री बाई टू ए, है ना। अब ये जो टॉर्क है और जो एमजी एमजी यहां लग रहा है उसका टॉर्क आपस में इक्वल होना चाहिए, तो रूट थ्री बाई टू एफ और एम जी ए बाई टू ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एफ कितना हो जाएगा मेरे पास, टू से टू खत्म, तो ये हो जाएगा एम जी ए अपॉन रूट थ्री। ये तो क्या मेरे पास एफ की वैल्यू। अब ये एफ जो है वो कभी भी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, म्यू एम जी से ज्यादा, म्यू एम जी जो है वो उससे कम होना चाहिए। अगर म्यू एम जी से ज्यादा हो गया तो ये फिसला देगा फिर, तो एफ लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए म्यू एम जी। अब हमें यहां पे एफ की वैल्यू क्या रखना है, एम जी ए बाई रूट थ्री। तो एम जी ए बाई रूट थ्री इज म्यू एम जी, सही एम जी कटेगा, सॉरी एम जी ए बाई रूट थ्री। तो यहां पर मेरे पास जस्ट ए मिनट रूट थ्री ए बाई टू, तो ये ए कट जाएगा ना इससे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, ये ए तो आएगा ही नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट थ्री बाई टू एम जी बाई रूट थ्री। तो एम जी बाई रूट थ्री इज म्यू एम जी, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वन बाई रूट थ्री। तो एन की जगह क्या लिखना है मुझे, थ्री लिखना है। देख लो ये टॉपलिंग का कंसेप्ट है, टॉपलिंग के कंसेप्ट में इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क देख रहा हूं, तो इस पॉइंट के अबाउट जो है वो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए बेटा इस केस में। अब नॉर्मल जो है वो यही शिफ्ट हो चुका है, देखो इस दौरान नॉर्मल ऐसे लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल फ्रिक्शन का जीरो आ गया टॉर्क, तो ये दोनों आपस में बैलेंस करने चाहिए, है ना इस तरह से। तो ये अपना टॉपलिंग का कंसेप्ट। अगला सिक्स क्वेश्चन आता है, सिक्स क्वेश्चन में फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई, आई की वैल्यू कितना गिवन इसमें, आई पूछा है, ओमेगा कितना गिवन इसमें 30 और काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको 360। तो ये कितना हो जाएगा 720 बाई 900 इज आई, लेट्स सी ये आएगा ना 30 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो ये 72 बाय 90, 72 बाय 90 किससे कैंसिल करें इसको अपन, तो इस केस में आपका ये यहाँ पे जो आंसर बनेगा, जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 4 by 5, 72 by 90, तो ये हो जाएगा 4 by 5, 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8, मतलब कि 80 × 10⁻²। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, 80 हो जाएगी, तो 80 यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आपको बोला है कि एक हेवी चेन है लेंथ 1 मीटर की, तो लेंथ 1 मीटर की एक हेवी चेन है जिसका मास कितना हुआ, 20 केजी का मास इसका दिया हुआ है और 10 किलो का ब्लॉक इस पे लटकाया हुआ है ना। अब इस केस में ये बोल रहे हैं कि इसको अपन ने ऐसे रोल कर दिया, तो ऐसे रोल करके लेके आ गए और आधी हाइट तक ब्लॉक को उठा लिया अपन ने, तो इसको यहां तक लेके आया और आधी हाइट तक ब्लॉक को उठाया, तो ये डिस्टेंस कितनी है, आधी मतलब कि 0.5। तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, एम जी 0.5,
इतना तो वर्क करना ही पड़ेगा ना, कम से कम ब्लॉक को उठाना है तो कितना आ जाएगा, 0.5 50 जूल तो करना ही पड़ेगा, प्लस चेन भी तो ऊपर आई है। अब देखो चेन का ये वाला हिस्सा तो ऐसा मान लो कि एज इट इज यही है, लेकिन जो ये आधा हिस्सा था जिसका सेंटर ऑफ मास पूरा यहाँ आ गया, भाई ये जो हिस्सा था ये तो पूरा लिपट चुका है ना, तो ये कितना हिस्सा ऊपर गया, 0.75 डिस्टेंस ऊपर गया था। इस नीचे वाले हिस्से का सेंटर ऑफ मास यहाँ से 1/4 पे था, तो ये सेंटर ऑफ मास तो पूरा लिपट गया ऐसा जैसे उस सोचे दो। तो इस केस में मतलब लिपटा तो एक्चुअली ये है, ये पूरा लिपट जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, तो मैं इसी को वहां रिप्लेस कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा यहां लिपट चुका और ये एज इट इज यहां पे दिख रहा है ना। तो कितना इसकी हाइट में चेंज आया, तो मास कितना था देखो, 20 का आधा 10 किलो, इस हिस्से का मास है 10 किलो, कितना ऊपर गया बेटा 0.25 ऊपर गया, तो 0.25 ऊपर जाने से कितना आ जाएगा 25 और 50, कितना आया टोटल, ये आएगा 75। तो 75 अब 5n, तो 5 into 75 को मैं क्या लिखूंगा, 5 into 25, सॉरी इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास 5 10 into 0.75 ऊपर गया ना, तो 0.75 ऊपर गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 75, ये आ जाएगा 125, तो ये रहेगा 5 into 25, तो ये रहेगा टोटल 25। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये देखो एक और आंसर बन रहा है इजीली। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात है, पैरेलल बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इम्पिंग्स ऑन ए वॉल ऑफ एट एन एंगल थीटा। देखो यहां पे एक बीम आ रही है, उसमें मान लो इस तरह से हमारे पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं, फिर ये बीम इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, ये बीम इस तरह से फिर रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, और ये एंगल जो है नॉर्मल से कितना है, थीटा है। ओके बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहां पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूं, तो इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, देखो एक मास और नंबर ऑफ पार्टिकल यही होगा, एक पार्टिकल का मास नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको मैं मान लेता हूं डी एरिया मान लेता हूं मैं इसका एस, देखो इसका मैं ये जो विड्थ है ना, एरिया जो है बीम का एरिया वो एस मान लेता हूं, तो एस और इसकी लेंथ मान लेता हूं डीएक्स। ओके बच्चों, तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब मैं इसको लिखूंगा डीएम बाई डी टी, तो डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको डी टी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एम एन एस डी एक्स बाई डी टी, कितना हो जाएगा एम एन एस वी, ये तो हो गया इतना। फिर जब ये देखो यहाँ पे जब ये हिट करेगा, ये वी स्पीड से हिट कर रहा है, फिर वी स्पीड से ही पलटेगा, तो इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ बेटा वेलोसिटी का, वी स्पीड में देखो 2v का चेंज आया, लेकिन वो कौन सा कंपोनेंट आया, केवल कॉस थीटा कंपोनेंट में। तो यहां पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा डीएम बाई डी टी, बेसिकली मोमेंटम होता है ना, तो यहां मैं डीपी बाई डी टी लिख देता हूं, फिर इसको मैं लिखूंगा डेल्टा वी डीएम बाई डी टी, कितना आ जाएगा 2v cos theta m n s v, ये आ गया। तो v square, अब यहां पे प्रेशर कैसे निकालेंगे बेटा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। अब देखो ये जो एरिया है ना s डैश, तो बीम एरिया अगर जैसे मान लेते हैं, वापस डायग्राम को समझना बेटा, ये बीम का अगर ये वाला एरिया जो है वो s है, तो ये एरिया s डैश ये हमेशा s से ज्यादा होगा, और ये एंगल यहां जो थीटा बनता है उतना एंगल यहां बनता है, तो एस डैश क्या हो जाएगा बेटा, एस डैश इज एस बाई कॉस थीटा। तो अब यहां पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 एम एन वी स्क्वायर एस कॉस थीटा अपॉन एस अपॉन कॉस थीटा, एस से एस कटेगा, क्या आ जाएगा 2 एम एन वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो v की पावर कितनी है 2, तो अल्फा की जगह तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की पावर कितनी है 2, तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 + 2 4 और 4 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 40, तो ये आपका आंसर बन गया, है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का बेसिक क्वेश्चन था है, यहां बस ये लास्ट में एरिया पर मेहनत करनी है, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स जो इस बीम ने डाला डिवाइड बाय एरिया। ओके बच्चों, और यहां पे हमने फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू एरिया लिया है, क्यों, क्योंकि हमने जो मोमेंटम चेंज हुआ ना, मोमेंटम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही लिया हुआ, मतलब फोर्स इस तरह से लग रहा दीवार पे। ओके,
ये 8th क्वेश्चन का अगले पे आते हैं, 9th क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, इफ प्रोटॉन टेक्स 25 सेकंड फॉर 5 रिवॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसमें 25/5 माइक्रोसेकंड तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर बोला है कि अल्फा का टाइम पीरियड कितना आएगा, तो अल्फा का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सबसे पहले प्रोटॉन और अल्फा टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, अब यहां पे देखो 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, फिर आएगा 2 पाई मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा, तो चार्ज ऑफ अल्फा 2 क्यू प्रोटॉन का इतना माने तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन और अल्फा में अल्फा का टाइम वो ज्यादा आएगा, तो अल्फा का टाइम आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना आता 5, तो 2 × 5 कितना आ जाएगा बेटा 10 माइक्रोसेकंड, नोट करें इसको बेटा, ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर उसका लास्ट आता अपने पास कि जो अगला क्वेश्चन है कि एक वायर जो है वो एल लेंथ का है, फॉर्म ए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर गिवन करंट इन इट इज मिनिमम इफ द कॉइल इज एन टर्न देन फाइंड। अब देखो एल लेंथ की वायर से आपने कॉइल बना दी है ना, अब कॉइल बनाई तो एल लेंथ की वायर को जैसे मान लो आपने आर रेडियस में कन्वर्ट किया, जैसे एन टर्न बनाया, तो एल की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास एल अपॉन 2 पाई एन। फिर जब आपने इसकी सर्कुलर कॉइल बना दी तो सर्कुलर कॉइल बनाने से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 एल अपॉन 2 पाई एन, कितना हो गया 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एन स्क्वायर पाई एन स्क्वायर अपॉन एल, तो फाइनली बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बी की वैल्यू देखो एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, बी मिनिमम कब होगा जब एन स्क्वायर मिनिमम हो, अब मिनिमम का मतलब जीरो तो कर नहीं सकता मैं वरना जीरो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो एन की मिनिमम वैल्यू फिर मुझे यहां एन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू रखनी है 1, इसका मतलब एन कितना हो जाएगा 1, तो एन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है एन है ना। तो इस तरह से यहां पे आपके जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है बेटा, इजी क्वेश्चन से ज्यादातर पेपर इजी साइड में आए, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे डिस्कशन जो है वो क्लियर हुआ होगा, बाकी आपको आंसर कीज और सॉल्यूशन भी साथ में अवेलेबल है, वहां से भी अपने सॉल्यूशंस को समझें और यहाँ से भी समझें। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।